हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज के बेड़े में 720 निजी बसों को लिए जाने का विरोध हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन व अन्य यूनियन करती आई है। उनसे लेकर कई बार धरने प्रदर्शन व चक्का जाम तक रोडवेज कर्मचारी कर चुके हैं। बता दें एक बार फिर 39 दिनों के बाद प्रदेश भर में रोडवेज ने 2 दिवसीय चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। रोडवेज कर्मचारियों व नेताओं का कहना है कि रोडवेज के बेड़े में निजी बसों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए रोडवेज कर्मी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं जहां डिपो प्रधान ने सभी रोडवेज कर्मियों से हड़ताल में पूर्ण सहयोग की अपील की, वहीं विद्यार्थी एकता मंच ने भी रोडवेज कर्मचारियों को समर्थन दिया। जो वर्तमान मौजूदा सरकार है जो रोडवेज का निजीकरण कर रही है, इसमें छात्र एकता मंच के सभी सदस्य हैं और सभी ने रोडवेज कर्मियों का साथ देने का वायदा किया। देखिए जो सरकार है वो अपना गलत रवैया अपनाए हुए है, लोकतांत्रिक की जगह डंडा तांत्रिक प्रयोग कर रही है। चाहे किसान हो या हमारे छात्र हो या आप किसी भी महकमे को देख लीजिए, अब जो हमारे जो बिजली बोर्ड था उसका निजीकरण कर दिया गया, अब रोडवेज का निजीकरण करने पर तुली हुई है सरकार। तो हमारे साथ आवामी मंच और छात्र एकता मंच वो आए और रोडवेज कर्मचारियों को समर्थन दिया और कहा कि भाई 16-17 की हड़ताल में हम आपके साथ हैं। देखिए अगर रोडवेज का निजीकरण होता, आपको बता दूं अगर रोडवेज के बेड़े में एक बस आती तो कम से कम 6 बच्चों को रोजगार मिलता है। बणमत राणमा के अधिनियम के अनुसार आज हरियाणा के अंदर रोडवेज आती तो कम से कम भी 14,000 रोडवेज आनी चाहिए। अगर 14,000 हरियाणा रोडवेज में आती है बेड़े में तो कम से कम पूरे प्रदेश के 84,000 हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार इसका निजीकरण चाह रही है, अपने जो पूंजीपति साथी है उनको फायदा पहुंचाना चाह रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं। तालमेल कमेटी के हवाले पर हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में 720 बस जो हरियाणा सरकार हायर करने जा रही है, इसके विरोध में 2-3 चक्का जाम है। सरकार से हमने बार बार अपील की, हमारे नेताओं भला बातचीत करे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। बिल्कुल समय में बेचने की तैयारी है। सौजिश के तहत अपने 73 किलोमीटर स्कीम पर मुनाफा कराने के लिए, महकमे को घाटा कराने के लिए और तालाबंदी करने के लिए इसको निगम बनाने की कोशिश करी सर हरियाणा सरकार। लेकिन हम हरियाणा के कर्मचारी पूरे और जनता के सहयोग से हम कहना चाहते हैं, विभाग जनता और खड़ा विभाग है और इसको सरकार बिल्कुल तहस नहस करना चाहती है। हम किसी भी कीमत पर इसको तालाबंदी नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हड़ताल 2 दिन की और 16-17 की या आगे भी लंबा लोन खड़ा पड़े, हम किसी भी कीमत उनके नहीं हटेंगे। धन्यवाद मैडम। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका।